प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हमने आपाओ प्रिंसिपल आपको समझाया था, अब उसकी डिटेलिंग कर रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेटा देखो ये निकल के आया था ऑर्डर, बोलो क्या है, 1s, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरने हैं, 2s में, फिर और इलेक्ट्रॉन है तो 2p, 3s, 3p, 4s, आगे बोलते जाओ 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d और 7p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एक बच्चे के मन में क्वेश्चन होगा, सर ये वाला ऑर्डर ना मुझे याद नहीं है, अब ये ऑर्डर याद नहीं है मुझे दिक्कत आ रही है, तो बेटा जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, यानी कि अभी जो वीडियो कर रहा हूं उसके बाद वाला, उसमें इस ऑर्डर को कैसे लर्न करें इसकी ट्रिक बताऊंगा, है ना। ये ऑर्डर हर बच्चे को याद नहीं होता, इवन टीचर को भी याद नहीं रहता है, तो इसको किस टेक्निक से याद करें कि ये ऑर्डर आपको परमानेंट याद रहे, इसकी टेक्निक नेक्स्ट वीडियो में आएगी। इस वीडियो में अभी हम इसको खाली अप्लाई करेंगे, इसको याद करने की स्टाइल नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एस में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2, 2 से कम आ सकते हैं इससे ज्यादा नहीं, पी में ज्यादा से ज्यादा 6, 6 से कम आ सकते हैं 6 से ज्यादा नहीं, ऐसी डी की लास्ट लिमिट 10 की है और एफ की लास्ट लिमिट 14 की है, इन लास्ट लिमिट से आप कम तो ले सकते हैं, उनसे ज्यादा नंबर नहीं ले सकते। अब मान लो मुझे एक बच्चा कहता है, सर आप ना 11 नंबर का करो, बताओ 11 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे सोडियम में, मैं कहूंगा ले भाई यहां से ले, बोलो क्या आया, 1s, s की लिमिट कितनी है बोलो, 2, तो 1s 2, ध्यान दें 1s स्क्वायर नहीं बोला जाएगा, 1s 2 है ये, स्क्वायर नहीं बोलेंगे। अब चलें 2s, s की लिमिट देखो 2 की, तो 2s 2, समझ में आने लग गया है, कुल इलेक्ट्रॉन 11 हैं, आपने कितने यूज कर लिए, 4, 2 और 2 4, पावर को ऐड करो, 2 और 2 4, 11 में से 4 गए 7, 7। अब अगला नंबर आया 2p, p की मैक्सिमम 6, तो p कहेगा 6 मुझको दे दो, लो भाई दे रही है तुझे, तो 6 ये ले गया, तो 2, 2, 4 और 6, 10, अब बचा कितना, 1, अब कहोगे सर 1 बचा, मैं कहूंगा अगला कंटेस्टेंट कौन है, 3s, अब s कितने ले सकता है, 2, लेकिन आप पे बचा तो एक ही है, तो आप कहोगे भाई 2 तू ले सकता है लेकिन मेरे पास तो एक ही है, 1s, 2s, 2p, 3s इनको तो मानो कुली, और ये इनकी खोपड़ी पे जो रखे हैं ये हैं बैग, ये बैग हैं और ये कुली हैं, इतने सारे कुली हैं जो बैग उठाने को राजी हैं, और ये इनकी ताकत है कितने कितने अधिकतम बैग उठा सकते हैं। अब आपने देखा 11 हो गया, 2, 2, 4, 6, 10 और 1, 11, अब देखो 1 नंबर पे 2, ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है, ऐड करो 2 और 6, 8, ये 3 नंबर है, इसके ऊपर पावर 1, तो 1 पे 2 पावर है, 2 पर 2 और 6, 8 पावर है, 3 पर 1 है, तो कॉन्फ़िगरेशन बना 2, 8, 1, तो हम सोडियम को छोटी क्लास में लिखते हैं 2, 8, 1, और टीचर कहता है बेटा इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हैं, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं, दूसरी में 8 गए हैं और तीसरी में 1 गया है, तो 11 इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है 2, 8, 1। अगर कई लोग इसको ऐसे ना लिखकर छोटी क्लास में ऐसे भी लिख देते हैं, एनए के शेल में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 1, वो ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये सारी बातें जो हमें छोटी क्लास में बताई गई कि भाई 7 नंबर 2, 5 होता है, 11 नंबर 2, 8, 1 होता है, हम टीचर से कहीं पूछते नहीं है ये बात तुम्हें कहां से पता चली, इस सब का सोर्स कौन है, आपबाऊ प्रिंसिपल। लेकिन याद रखना आपबाऊ किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है आओ निर्माण करें। और 2 कॉन्फिगरेशन देंगे, 1-2 केस और, अब 1-2 केस और जो देखेंगे उसमें अब मैं ले रहा हूं थोड़ा नंबर बढ़ा के, आप कहोगे सर बढ़ा के कौन सा नंबर ले रहे हो, बताओ कौन सा ले लें, अपन लेते हैं नंबर ले लेते हैं 17 लेते हैं क्लोरीन। चलो बच्चों आपको बोलना है, पहले 17 हैं, चलो 1s, इसकी पावर 2, कितने इलेक्ट्रॉन गए, 2, बचे 15, फिर 2s, इसकी पावर भी 2, अब 2 और 2 4 हो गए, फिर कौन आया 2p, 2p की पावर 6, 2, 2, 4 और 6, 10,
बचे सात, सेवन। अगला ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कौन आया 3s, इसकी पावर 2, ये हो गया 12। अब आया 3p, इसकी पावर 5, 12 और 5 17। काउंटिंग बैठाओ, 2 2 4 6 10 2 12 5 17, 2 प्लस 2 4 प्लस 6 10 12 एंड 17। अब पहले नंबर पे कितना लिखा है 2, दूसरे नंबर पे देखो 2 और 6 8, तीसरे नंबर पे देखो 2 ये हैं 5 ये हैं, मिलाकर 7। तो सीएल का कॉन्फ़िगरेशन क्या बना, आंसर बना 287। क्या बना 287, बना या नहीं, आया ना। तो इस तरीके से हमने देखा सीएल में कितने इलेक्ट्रॉन है 17, जो पहली शेल के में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी शेल में 8 है और तीसरी में 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना समझ में आ रहा है, आने लग गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप करके दिखाएं, दोनों लोग करेंगे, 15 नंबर करेंगे, कितना 15। अब 15 नंबर करिए भाई, स्टार्ट करें 15। अब 15 करने पर ये मिटाल दिया, पहले सोचा 15 नंबर किसका है, आंसर 15 नंबर जो है वो तो फास्फोरस का है सर। चलिए भाई करिए, पहले चलो 1s, 2, 2s, 2, 2p, 6, टोटल कितने हो गए 2, 4, 10, 3s, 2, 12, 3p, 3, 15, देखो 15 हो गया, 2, 4, 10, 12, 15, 1s के ऊपर 2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 8, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 5, कॉन्फ़िगरेशन क्या बना 15 का, P का नंबर 15, कॉन्फ़िगरेशन बना K, L, M शेल, K में 2, L में 8 और M में 5। ये करना समझ में आया या नहीं, इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन बना आपका 15 का। अब बच्चे कह रहे होंगे सर हमें इससे हम कितने तक बना सकते हैं, बेटा टोटल दुनिया में एलिमेंट है 118, कितने हैं 118, तो इससे आप 118 एलिमेंट तक का सभी का बना सकते हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर आपने तो अभी तक मुझे 18 तक के केस कराए, 17 तक का कराया, आपने कोई बड़े नंबर नहीं लिए 40, 50, 80, 118, तो मैं कहूंगा हाँ नहीं लिए भाई मैंने बड़े नंबर, क्योंकि वीडियो को लिमिट में रखना होता है, ओवर बड़ा नहीं कर सकते। अब जो अगला वीडियो दूंगा उसमें मैं आपको बड़े नंबर कराऊंगा, जैसे 40 नंबर, 50 नंबर, 25 नंबर, 100 नंबर, 118 नंबर। तो अगले वीडियो में बड़े बड़े केस करेंगे, 118 तक के केस करेंगे, है ना। और एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि इनको याद कैसे किया जाए, क्योंकि आप जानते हैं बेटे वीडियो अगर बहुत ज्यादा लेंदी हो जाए तो फिर उसको भेजने में या YouTube में डाउनलोड करने में बेहद टाइम लगता है, इसीलिए वीडियो इस रेंज में डाले जा रहे हैं जिससे आपको पूरा समझ में आए लेकिन कंटेंट इतना बड़ा ना हो जाए कि आप तक पहुंच ही ना पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी बड़े एटॉमिक नंबर के साथ, और अगले वीडियो में मुलाकात होगी हाउ टू लर्न दिस, ठीक है। तो अभी आबाव प्रिंसिपल में 2 वीडियो और आएंगे, आबाव प्रिंसिपल में टोटल 4 वीडियो हैं, पहला और दूसरा वीडियो आपको मैंने भेज दिया है, थर्ड और फोर्थ वीडियो आपको नेक्स्ट भेजूंगा अगले सेशन पे, यानी कि कल के पे, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके बाय, अपना ध्यान रखें।